हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ 7 PM। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो फ्रेंड्स, आज का रिव्यूअर है अराबेला ग्रीन एप्पल फ्लेवर्ड वोडका। जी हाँ फ्रेंड्स, अराबेला ग्रीन एप्पल फ्लेवर्ड वोडका। इसका एक ऑरेंज फ्लेवर भी आता है फ्रेंड्स, जिसका रिव्यू इस चैनल पर फ्रेंड्स हम लोग कर चुके हैं। तो प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो। तो आज का जो फ्लेवर्ड वोडका है वो है फ्रेंड्स ग्रीन एप्पल, और गोवा में इसका प्राइस कुछ 360 से 380 के पास आता है। पर फ्रेंड्स, ये मैंने परचेज़ की है दमन से, और ये मेरे को पड़ी है सिर्फ 295 में। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 295 में पूरा खंबा फ्रेंड्स ये मेरे को पड़ा हुआ है दमन में फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अभी आज का रिव्यू। अब बॉटल की बात की जाए तो इसमें जो ऑरेंज फ्लेवर आता था फ्रेंड्स, ये सेम वैसा ही बॉटल है। इसमें सिर्फ ये ग्रीन एप्पल का वोदका है, और ऊपर जो अगर जो स्टिकर की बात की जाए तो एक ही स्टिकर है फ्रेंड्स, आगे पीछे कुछ है नहीं। आगे की स्टिकर की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस पर लिखा हुआ है अराबेला ग्रीन एप्पल वोदका, और इसकी अगर जो कॉन्सेंट्रेशन की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स ये 65% का प्रूफ है, जनरली 75% का होता है। और इसका जो स्ट्रेंथ है वो 37.14 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, जनरली 42.8 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है जो भी विस्कीज या रम होता है उसमें। पर इसमें थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम है फ्रेंड्स, 19-20 जितना ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। पर इसका जो कलर है फ्रेंड्स वो बहुत ही ग्रीन कर दिया है लोगों ने। अब मार्केट में फ्रेंड्स बहुत सारे ग्रीन एप्पल वोदका अवेलेबल है, बहुत सारे मीन्स ऑलमोस्ट जितनी भी वोदका कंपनीज है सब में ग्रीन एप्पल का जो फ्लेवर है वो बहुत ही फेमस है। मैजिक मोमेंट्स का जो है ग्रीन एप्पल का वोदका फ्रेंड्स वो बहुत ही फेमस है, और वन शॉट का भी बहुत ही फेमस है, और बहुत सारे इसमें स्मर्नोफ भी आ जाता है, फिर ये अपना जो बकार्डी वोडका भी आ जाता है, और ये अपना जो रोमानोव भी आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ग्रीन एप्पल का ये जो फ्लेवर है फ्रेंड्स ये सारे वोडकास में आपको मिल जाने वाला है, और इसमें भी फ्रेंड्स ये अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अगर जो प्राइस की अगर जो बात की जाए तो ये 295 का प्राइस है पूरे खंबे का, और इस पर लिखा हुआ है फॉर सेल इन दीव एंड दमन ओनली। और डिस्टिलरीज की अगर जो बात की जाए तो ये ओशन किंग्स जो डिस्टिलरी है गोवा में वहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है। और अगर जो कंटेंट्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो इसमें है डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रे न्यूट्रल स्पिरिट, इनवर्ट शुगर, और कंटेंट्स एडिड फ्लेवर और कलर। तो फ्रेंड्स इसमें कलर और फ्लेवर्स एज यूजुअल इस प्राइस रेंज में फ्रेंड्स आपको ये मिल ही जाने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 295 है, और इसमें एडिड शुगर भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ये स्वीट करने के लिए मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ये शुगर जो है फ्रेंड्स इसमें ऐड किया हुआ है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं फ्रेंड्स इसमें, FSI नंबर है, बार कोड है, और ये सब है। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले इसको अपने पोर कर लेते हैं ग्लास में, और फिर इसका कलर चेक करते हैं, और इसका जो फ्लेवर है वो फ्रेंड्स अपने चेक करते हैं। बहुत ही टाइटली पैक्ड है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अभी ये खुल चुका है, बहुत ही टाइट लॉक है फ्रेंड्स इसका, बहुत ही टाइट। और बहुत ही एक शानदार स्मेल है फ्रेंड्स ग्रीन एप्पल की, बहुत ही एक स्ट्रांग स्मेल आ रही है। चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा अपने पोर करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर जो कलर की जो बात की जाए तो एज यूजुअल ये ग्रीन कलर का ही है। जनरली जो ग्रीन वोडकास है वो क्लियर कलर में ही आते हैं, इसमें ये लोगों ने कलर डाला हुआ है, और ये ग्रीनिश कलर है, थोड़ा सा ये ब्राइटर साइड पे है, स्पार्की ग्रीन फ्रेंड इसको मैं कहना चाहूँगा। और इसकी अगर जो डेंसिटी की बात की जाए तो ये बहुत ही लो है, बहुत ही जल्दी ग्लास के नीचे ये उतर जाती है, कोई भी लेग्स नहीं है इसमें, कोई भी थिकनेस नहीं है, एकदम लो डेंसिटी का फ्रेंड्स ये वोदका है। स्मेल की अगर फ्रेंड्स अगर जो बात की जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है फ्रेंड्स इसमें ग्रीन एप्पल का, बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है स्मेल आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वोदका है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स इसमें स्पिरिट का भी एक बहुत ही एक ज़्यादा पंच आ रहा है फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्पिरिटी एप्पल वोदका होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको नीट थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं।
थोड़ा बेटर है फ्रेंड्स, क्योंकि जो एक ग्रीन एप्पल का एक जो एसेंस है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, और थोड़ा सा एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये शुगरी भी लग रहा है, और जो कि इसमें जो क्लेम भी किया हुआ है कि इसमें एडेड शुगर है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये स्वीट टेस्ट भी फ्रेंड्स बहुत आ रहा है। पर सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये अल्कोहल का जो एक जो पंच है, एक जो सॉलिड पंच है, हालांकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा बहुत ही कम ही है इसका, पर उस हिसाब से एक डिसेंट वोडका फ्रेंड्स इसको मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अपने थोड़ा पानी डाल के देख लेते हैं कि उसके बाद फिर ये कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि पानी डालने के बाद इसका जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से खुल जाएगा, और ये जो अल्कोहल का एक जो पंच आ रहा है वो थोड़ा बहुत ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और मेन तो इसका जो अरोमा है फ्रेंड्स, वो पानी डालने के बाद पूरे का पूरा ये निखर के आता है, और फिर अपने को पता चलता है कि एक्चुअल में इसका अरोमा कैसा है और इसका बॉडी कैसा है। तो एज यूजुअल फ्रेंड्स, अभी सिर्फ इसमें ग्रीन एप्पल का एक स्मेल बच चुका है फ्रेंड्स, अरोमा है सिर्फ ग्रीन एप्पल का, अल्कोहल का पंच जो पहले जो आ रहा था जो नेट में, वो अभी टोटली अभी ये सेटल डाउन हो चुका है, ऑलमोस्ट ये ज़ीरो के पास हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको सिप करके देखते हैं। अभी फ्रेंड्स ये बहुत ही सेटल डाउन हो चुका है पानी डालने के बाद, इसमें लगभग 80 ml जितना आपने जो पानी डाला होगा, पानी डालने के बाद फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट ये सेटल डाउन हो चुका है इजीली, अभी ये अंदर जा रहा है। नीट में फ्रेंड्स ये पूरा ये जलाते हुए गया था फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स मैं ज़रा भी मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि इसको आप ये नीट सिप भी करें, और इसको फ्रेंड्स मैं एक स्मूथ वोदका मैं कंसिडर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि 80 ml पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें एक जो अल्कोहल का जो पंच था वो ऑलमोस्ट ही ज़ीरो हो चुका है, अभी सिर्फ इसमें ग्रीन एप्पल का ही एक जो अरोमा है फ्रेंड्स वो आ रहा है। गोवा में जो है फ्रेंड्स इसका प्राइस 340 से 380 के बीच में आता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स और भी आते हैं फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स एक फ्लेवर था गुआ वे आता है, फिर एक ब्लू क्रश आता है, एक वाटरमेलन आता है, ऑरेंज आता है, और इसका फ्रेंड्स एक एक ये प्लेन वर्जन भी आता है जो मेरे ख्याल से दमन में अवेलेबल है, ओनली 240 या 250 में अवेलेबल है, और इसका ये जितने भी जो फ्लेवर्ड वर्जन है वो दमन में अवेलेबल है ओनली 295 रुपीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली 295 रुपीज़। और इसको फ्रेंड्स मैं कंपेयर करना चाहूँगा ये जो बाकी के जो वोदकाज है उनके साथ, मैंने कंपेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स इसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा ब्रिजर्स के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रिजर्स यहाँ पे मुंबई में अवेलेबल है, 135 का ब्रिजर्स आता है 275 ml का, और उसमें भी सब एडेड होता है सोडा पानी वो सब, और उसके मुकाबले अगर आप ये अगर ये जो दमन से लेते 295 में पूरा खम्बा और वो भी ओनली फॉर लीकर, तो ये मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बेस्ट डील है। इसको अगर जो वैल्यू फॉर मनी की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसको वो मैं 8 out of 10 फ्रेंड्स इसको मैं पॉइंट्स में देना चाहूँगा, 8 out of 10 इसके लिए कि सबसे पहले तो इसका जो प्राइस रेंज आता है फ्रेंड्स, सिर्फ 295 में पूरा खम्बा फ्रेंड्स आपको मिल जाने वाला है, और अगर आप ये गोवा से लेते हो तो 340 या 380 के बीच में फ्रेंड्स आपको ये गोवा में आपको मिल जाने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये गोवा जा रहे हो या दमन में आ रहे हो तो ये फ्रेंड्स इसको मैं मस्ट बाय वोदका की लिस्ट में फ्रेंड्स मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग लाइट ड्रिंक करना पसंद करते हैं, जिनको ज़्यादा जो हार्श जो लिकर होता है वो जिनको ड्रिंक नहीं करना है, उन लोगों के लिए फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट वोदका है, और स्पेशली जो लेडीज़ के लिए, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स 80 ml पानी डालने के बाद ये टोटली इसका जो अल्कोहल का एक जो पंच था फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट ही ज़ीरो हो चुका है, ऑलमोस्ट ही एप्पल जूस ही मेरे को तो लग रहा है, और कलर भी उसका वैसा ही है। तो फ्रेंड्स ये मेरे ख्याल से ये लेडीज़ के लिए, और जो लोग कम हार्श थोड़ा लिकर अगर ये जो पसंद करते हैं तो उनके लिए फ्रेंड्स ये बेस्ट बाय है मेरे ख्याल से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था रिव्यू आज का एराबेला ग्रीन एप्पल वोदका का। तो फ्रेंड्स आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में 7 PM पे, टिल देन चीयर्स।